हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में किसी सिन्हा उत्तर के प्रश्नावली 8.2 के पर संख्या 2 के पहले और दूसरे भाग को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए पर संख्या 2 क्या है देख लेते हैं। पर संख्या 2 दिया गया है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब इनके मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दो हमें टोटल दो भाग दिया गया है और दोनों भाग को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इसमें कहा जा रहा है जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हमें 45 डिग्री रखना है। ठीक है, और फिर इसे हल करना है। तो आइए पहला जो दिया गया है इसे लिख लेते हैं। तो देखिए एक नंबर में हम देखेंगे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा है, तो थीटा की जगह 45 लिखना है, तो टैन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब हम मान बैठा देंगे। तो देखिए टैन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 बाय, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान 1 बाय रूट अंडर 2 होता है। कितना होता है? 1 बाय रूट अंडर 2। ठीक है, अब देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा प्लस, बट्टे में कुछ नहीं है तो एक दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वन के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? वन है। ठीक है, अब देखिए इसे हम गुना में बदल लेंगे तो रूट टू ऊपर चला जाएगा और वन नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका हम अगर गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पहले हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वन प्लस वन, वन बटे वन प्लस वन, यहाँ पे रूट अंडर टू को वन से गुना करेंगे तो रूट अंडर टू बटे वन हो जाएगा। ठीक है, और बराबर वन का एलसीएम वन वन हो, वन वन का एलसीएम वन हो जाएगा। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन में वन से भाग देंगे तो वन, वन को वन से गुना करेंगे तो वन आएगा प्लस यहाँ पे रूट अंडर टू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, फिर यहाँ भी केवल 2 बचेगा, फिर यहाँ भी केवल 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 एक कितना हो जाएगा? 3 बट्टा का 1, और नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है इसलिए 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर। ठीक है, आइए अब भाग संख्या 2 की ओर चलते हैं। तो भाग 2 में दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे अभी हल कर लेते हैं। तो देखिए पहले 45 डिग्री रखेंगे, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, और देखिए इसका हमें मान याद रहना चाहिए। ठीक है, आपको हम अगर मान याद नहीं होता है तो हमने एक मान वाला वीडियो बना चुके हैं पहले ही, आप उसे देखकर बता सकते हैं। अगर आपके पास उंगली है पाँच उंगली तो आप पाँचों उंगली से भी इनका मान बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से हमने बहुत ही आसानी से वीडियो बनाए हैं और आपको समझाने का प्रयास किया है बहुत ही आसान शब्द में। तो इसका आप देखिए कितना कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बाय रूट अंडर 2 होता है, 1 बाय रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर है, साइन 45 डिग्री है, यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो इसका भी होता है 1 बाय रूट अंडर 2, 1 बाय रूट अंडर 2। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो अगर हम यहाँ भी कर देंगे तो क्योंकि इधर प्लस का है और इधर माइनस का है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, जीरो हो जाएगा आंसर। तो हमें इसे पूरा बना लेंगे फिर भी जीरो ही आएगा। ठीक है, तो देखिए वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, और रूट अंडर टू का स्क्वायर करेंगे तो टू हो जाएगा, माइनस यहाँ भी हो जाएगा इसी प्रकार से। और देखिए टू टू का एलसीएम कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो देखिए वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बाय टू हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या में कोई भी संख्या से जीरो में भाग देते हैं तो उसका मान जीरो होता है, इसलिए इसका भी आंसर जीरो हो जाएगा। आई होप कि आप सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।